तो हेलो गाइस, आई एम सैफ। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या ये बात सच है कि रोनाल्डो जाएंगे रियल मैड्रिड में? तो लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड। तो गाइस, मुझे लगता है कि 100% आउट ऑफ 60% चांस है कि वो अल नसर को छोड़ के जाएंगे रियल मैड्रिड में, ये तो पक्का है। और यहाँ पर ये रोनाल्डो के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है कि वहाँ अल नसर का सऊदी में जो टीम अल नसर, वो तो भाई टीम इतना बकवास है मैं कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग मैच देख ही रहो अल नसर का, जब खेल ले 10 मैच खेल के दो मैच जीत रहे, उसके बाद फिर आ रहे, फिर हारे, फिर जा रहे। अभी अल हिलाल के साथ मैच हुआ था जो हारे थे। तो इस वजह से रोनाल्डो की टीम को ख़राब नहीं बोला जाता है, इस बार बोला जा रहा है रोनाल्डो खराब, पर इसमें कोई कसूर नहीं है रोनाल्डो का, ये गलती है टीम का। आपका रहा टीम अच्छा होगा तभी भाई एक रोनाल्डो अच्छा खेला। अब गाइस, रियल मैड्रिड में जो रोनाल्डो खेलता था, जेवेंटिस में खेलता था, यूनाइटेड में भी खेलता था, एटलीस्ट टीम अच्छा था तब, उस वजह से रोनाल्डो अच्छे खेलते थे उस टाइम पे। पर अब अल नसर में आके एटलीस्ट ये कोशिश किया रोनाल्डो कि बकवास टीम के साथ रह के भी गोल स्कोर किया रोनाल्डो, मतलब कि वो एक उस टीम में वही अकेला है जो पूरा मैच को संभालता है, वही गेम को जिताता है, तो ही इज़ द रियल हीरो इन अल नसर टीम, तो ये बोला जाएगा। दूसरा बात, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जा रहा है रोनाल्डो के साथ कि जो जॉर्जिना उसकी पार्टनर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, वाइस जॉर्जिना रॉड्रिगेस, उसके साथ ये है कि सऊदी में वहाँ गर्लफ्रेंड बना के रहना अलाउड नहीं है, वहाँ शादी करी के रहना अलाउड है, तो उस वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहाँ नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पर उसके बच्चे, सब फैमिली वहाँ एकदम सेटिस्फाई नहीं है उस वेदर, वो मौसम कैसे क्या है, वो मौसम में वो लोग नहीं रह पा रहे, तो इस वजह से रोनाल्डो का ज़्यादा चांस है वहाँ से हट के रियल मैड्रिड में जाने का। यहाँ तक कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, मींस 2023 से टू 2025 तक का अल नसर की टीम में, पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो छोड़ के अल नसर जा सकते हैं रियल मैड्रिड, ही इज़ बैक टू रियल मैड्रिड। मतलब कि गाइस, ये बात जितने आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग भी बहुत खुश होगे, क्योंकि रियल मैड्रिड का नाम सुनने से मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब रोनाल्डो जब वो रियल मैड्रिड में खेलता था तो भाई मतलब हीरो था, और उस टाइम से उसका किस्मत भी चमका था, वो रियल मैड्रिड में था, वो सबसे बेस्ट प्लेयर आया उस टाइम पे, वो बैलन डोर भी जीता, बहुत अच्छा उस गोल स्कोर किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उस टाइम पे, उसको जॉर्जिना रॉड्रिगस भी मिली उसकी किस्मत से वहीं रियल मैड्रिड में, तो इस वजह से रोनाल्डो वहाँ जाना चाहता है। तो इसलिए मैं आप लोग को फेक न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं देखा गूगल से वही मैं बता रहा हूँ, तो मैं गूगल के हिसाब से बता रहा हूँ, न्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं बहुत खोजा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, तो आगे की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और इन्फॉर्मेशन आएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, अबाउट रियल मैड्रिड के बारे में, कुछ भी ऐसा रिलेटेड आएगा तो मैं इस वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू रखूँगा। और इन किस नहीं आया अलग टाइप का लेटेस्ट वीडियो आया अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।